क्या एक उल्लू राजा बन सकता है? एक दिन पक्षियों की एक सभा हुई। मोर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई राजा नहीं। हंस ने कहा, चील हमारा राजा है, तब तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मोर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वह केवल नाम मात्र का राजा है। हम शायद ही कभी उससे मिले होंगे या उसे देखा होगा। वह अपना ज्यादा समय भगवान विष्णु की सेवा में ही बिताता है, हमारी उससे कोई बात नहीं होती। ऐसे राजा का क्या फायदा? सब पक्षी इस बात से सहमत थे। मोर ने कहा, हमें एक नया राजा चुनना चाहिए। एक पक्षी ने कहा, हाँ जरूर। दूसरे ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। एक और पक्षी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। सारे पक्षी मोर से सहमत थे, वे सब उसके सुझाव से राजी थे। मोर ने कहा, मेरे विचार से उल्लू को अपना नया राजा चुना जाए। उसका चेहरा भयंकर है, वह किसी भी दुश्मन को डरा सकता है। सब पक्षी उल्लू को नया राजा चुनने को तैयार हो गए। अब ये तय हो चुका था कि उल्लू को नया राजा बनाया जाएगा। एक बड़ा सा ताज बनाया गया और सब नदियों से पानी लाया गया। तोतों ने मंत्र बोले, बुलबुलों और कोयलों ने मीठे गीत गाए। अब उल्लू को ताज पहनाने का समय आ गया। उल्लू घमंड में चल रहा था। जैसे ही वह राज सिंहासन पर बैठने लगा, उसने कोई की आवाज सुनी। कौआ काए काए कर रहा था। उसने पूछा, क्या होने जा रहा है? उल्लू को नया राजा बनाया जा रहा है। लेकिन कोई ने बीच में दखल देते हुए गुस्से से कहा, क्या उल्लू को राजा कैसे बनाया जा सकता है? वह दिन में नहीं देख सकता, वह राजा बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है। उल्लू क्रोधित हो उठा। वह कोई को आवाज से पहचान सकता था और उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसने सोचा, मैं कोई की आवाज की दिशा में उड़कर उस पर हमला कर सकता हूँ, लेकिन चालाक कौवा वहाँ से उड़ जाएगा। वह मुझ पर अपनी चोंच से प्रहार करेगा, क्योंकि मैं दिन में नहीं देख सकता। उल्लू ने स्वयं से कहा, दूसरी ओर मैं राजा बनने जा रहा हूँ, मेरे लिए क्रोधित होना और स्वयं कोए पर हमला करना उचित नहीं होगा। बाकी दूसरे पक्षी तो मेरे पक्ष में है ही, इसलिए मुझे कोए की परवाह नहीं करनी चाहिए। कोआ लगातार बोलता चला गया और कहा, इसके बारे में सोचो, क्या एक उल्लू राजा बनने योग्य है? उसका चेहरा देखो, उसकी मुड़ी हुई नाक, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा और ये सब, वे कितना भद्दा लगता है। कोई ने दोबारा कहा, चील हमारा राजा है, वे प्रसिद्ध, प्रभावशाली और सहायक है। क्या तुम सोचते हो कि किसी और को राजा बनाना उचित होगा? सारे पक्षी इस बात से सहमत थे और एक एक करके उड़ गए। कुछ समय उल्लू के लिए केवल पंखों की आवाज सुनने के लिए रह गई। अब चारों तरफ शांति थी। उल्लू ने सोचा, मेरे राज्याभिषेक का क्या हुआ? चारों तरफ कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? उल्लू ने कहा, सब लोग कहाँ हैं? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई ने कहा, सब पक्षी उड़ चुके हैं। उल्लू निराश हो गया। उसने कोई से पूछा, अरे कोई, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे राजा क्यों नहीं बनने दिया? आज से
तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। कौवा काएं काएं करता हुआ खुशी से उड़ गया।